हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो के द्वारा आप लोगों का प्रीपोजिशन से रिलेटेड एक और कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां व्हाइट बोर्ड पर हमने दो वर्ड लिखे हैं, देखिए, एक तो लिखा है हमने पार्ट विद और दूसरे लिखा है पार्ट फ्रॉम। पार्ट का मतलब होता है अलग होना, बिछड़ना, लेकिन कंफ्यूजन ये होता है कि पार्ट के साथ हम विद का भी इस्तेमाल कर देते हैं और पार्ट के साथ हम फ्रॉम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस इन व्हाट कंडीशन यू हैव टू यूज पार्ट विद एंड इन व्हाट कंडीशन यू हैव टू यूज पार्ट फ्रॉम। यहां आपको यही अंतर, यही डिफरेंस समझने की जरूरत है कि किन कंडीशंस में कहां पर हम पार्ट विद लगाते हैं और कहां पर हम पार्ट फ्रॉम लगाते हैं। अर्थ दोनों का सेम होता है, अलग होना या बिछड़ना। पहला पॉइंट आप समझिएगा, देखिए यहां पे हमने नोट भी किया है, पार्ट विद, जब हम पार्ट के साथ विद लगाएंगे तो हम किसी चीज से अलग होंगे, मतलब किसी वस्तु से अलग होंगे। फिर से समझिए, जब हम पार्ट के साथ विद का इस्तेमाल करेंगे तो हम किसी वस्तु से अलग होंगे, किसी चीज से अलग होंगे। जैसे यहां पे हमने एक सेंटेंस लिखा है कि ही कैन नॉट पार्ट विद हिज बुक्स, वो अपनी किताबों से अलग नहीं रह सकता या अलग नहीं हो सकता। तो यहां पे जो बुक्स हैं, दे आर नॉट लिविंग बींग, दे आर द थिंग्स, ये चीजें हैं। तो जब चीजों से हम अलग होते हैं तो वहां पर हम पार्ट विद का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं, जब हम किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से अलग होंगे तो हम वहां पर पार्ट फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। देखो हमने लिखा है पार्ट फ्रॉम, यानी पर्सन से, किसी से अलग होना। जैसे यहां पे एग्जांपल हमने दिया है कि आई पार्टेड फ्रॉम माय फ्रेंड लास्ट मंथ, पिछले महीने मैं अपने फ्रेंड से अलग हुआ था। तो स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए होंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर से एक बार समझिए, पार्ट विद इसका इस्तेमाल हम जब किसी वस्तु या किसी थिंग से अलग होते हैं, बिछड़ते हैं, तब लगाते हैं, और पार्ट फ्रॉम का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति से अलग होते हैं। थैंक यू।